नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। करंट अफेयर्स में जो आर्थिक इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो पोर्शन है उसको डील करेंगे। इसका पहला यूनिट है आप लोगों के सामने। और इकोनॉमिक्स के सेक्शन से अगर देखा जाए तो करंट अफेयर्स में से काफ़ी बड़ा एक हिस्सा आता है। हमारे परीक्षा में जो अर्थव्यवस्था का जो क्षेत्र है उसका 70% तो करंट से ही लिंक हो के आता है। तो इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर्स आपके लिए है इंपॉर्टेंट, है ना। इसकी पहली यूनिट जो कुछ रिपोर्ट्स हम लोग देखेंगे, है ना, जो रिपोर्ट्स लगभग पूछी जाती है बार बार, और उसके बाद हम आगे की चीज़ें देखेंगे अगले वीडियोस में। सबसे पहले आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसकी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें ये सीआरआर और ये इनकी वैल्यूज़ कभी कभी मांग लेते हैं लोग। आपको पता है कि देश में जो भी मॉनेटरी पॉलिसी, जो भी मौद्रिक नीतियाँ हैं, ये आरबीआई डिसाइड करता है। पहले ये अकेले गवर्नर का विशेषाधिकार हुआ करता था, लेकिन पिछले वर्ष सितंबर से इसमें अमेंडमेंट किया गया है ना, वित्त विधेयक लाके, जिसके अंतर्गत अब मौद्रिक पॉलिसी को एक कमेटी डिसाइड करती है ना, एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसमें छः मेंबर होते हैं, है ना, और ये सभी लोग मिलके इस मॉनेटरी पॉलिसी पर डिसीजन लेते हैं। सॉरी, पहले क्या होता था कि हर 3 महीने पर रिपोर्ट आती थी, है ना, रिव्यू होता था पॉलिसी का। अभी क्या हो गया कि हर 2 महीने पर रिव्यू हो रहा है पॉलिसी का, ठीक है, हर 2 मंथ पर पॉलिसी का रिव्यू हो रहा है। और इसमें 6 लोग हैं। 6 लोग कौन हैं? एक गवर्नर, 2 डिप्टी गवर्नर और 3 लोग आपके अर्थशास्त्री, एक कुछ प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जिनकी अर्थव्यवस्था में पकड़ है, अर्थशास्त्र में जिनकी पकड़ है। तो अभी ये लेटेस्ट आया है जो अगस्त 2017 में, उसमें बैंक रेपो रेट आपका 6%, ये रट लीजिए, रेपो रेट 6%, रिवर्स रेपो रेट 5.75%, ये 0.25% घटाया है। मैंने डाउन का सिंबल लगाया हुआ है, 0.25% घटाया है रिवर्स रेपो रेट को, ठीक है। नेक्स्ट, बैंक रेट 6.25% है, 0.25% घटाया है। और इस CRR एग्जाम के पॉइंट में से CRR और रेपो रेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन कई बार अगर सीधे सीधे आंकड़े पूछ लेगा और कुछ भी नहीं पूछेगा, CRR और रेपो रेट, ठीक है। CRR मतलब कैश रिजर्व रेशो, ठीक है। नेक्स्ट, पेट्रोपोल वीनापोल चेक पोस्ट कहाँ बनी है? भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर। पेट्रोपोल वीनापोस्ट पोल चेक पोस्ट कहाँ बनी है? भारत बांग्लादेश बॉर्डर पे, जिसके अंतर्गत जो माल ढुलाई होती है, वहाँ पे जो माल का आवागमन होता है, गुड्स का, उसमें काफ़ी तेज़ी आ जाए, उसे क्लियरेंस जल्दी हो जाए, है ना, काम में तेज़ी आए, इसके लिए चेक पोस्ट बनाई गई है इंडियन साइड से, कस्टम्स को, ये सीबैक को, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स को ये जिम्मेदारी दी गई है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच का एक क्लियरेंस पॉइंट बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट, RCEP की बैठक हैदराबाद में हुई है अभी, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इसकी RCEP की बैठक हैदराबाद, सिर्फ रख लीजिए इसको, RCEP की बैठक हैदराबाद। ये 10 देशों का समूह है, ठीक है, 10 देशों का समूह है। और इसके बाद 6 अन्य FTA नेशंस के साथ भी इनके एग्रीमेंट है, जिसमें भारत भी शामिल है, भारत, चीन, न्यूजीलैंड, अमेरिका, जापान, है ना, और दक्षिण कोरिया, ये अन्य 6 देश हैं जिनके ट्रेड एग्रीमेंट इन 10 देशों के समूह के साथ शामिल है। और इनकी बैठक अभी जो हुई है 19वें राउंड की, ये हैदराबाद तेलंगाना में हुई है, ठीक हो गया। ये रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन का है, जिसमें कि 6 अन्य देशों के साथ इन 10 देशों के समूह का एक सम्मेलन कंटिन्यू होता आ रहा है। नेक्स्ट, इस्लामिक बॉन्ड सुकुक, क्वेश्चन ये भी आ सकता है, सुकुक क्या है? सुकुक एक इस्लामिक बॉन्ड है। बॉन्ड क्या होता है? जब कोई कंपनी जारी करती है बाजार में बोरिंग करने के लिए, कुछ पैसे उधार लेने के लिए, ठीक है, जब उसे कैश का क्रंच होता है, तो सऊदी अरब ने सुकुक नामक एक इस्लामिक बॉन्ड जारी किया है, जिससे उसने बाजार से पैसे एकत्रित करने की योजना बनाई। इसके अंतर्गत उसने करीब 29,000 करोड़ रुपए मतलब इकट्ठे किए हैं बाजार से, है ना। ये उसे क्यों करना पड़ा? बिकॉज तेल की कीमत बहुत नीचे होने के कारण इनका जो फिस्कल डेफिसिट था, राजकोषीय घाटा था, वो बहुत बढ़ गया, तो उन्होंने ये बॉन्ड जारी किया है। अभी इस्लामिक बॉन्ड मतलब क्या है? हम जनरली जो बॉन्ड खरीदते हैं उस पर हमको इंटरेस्ट मिलता है, है ना, उस कंपनी से, लेकिन इस्लामिक बॉन्ड में, इस्लाम में जो शरीयत के अकॉर्डिंग चलता है ये, इसमें जो इंटरेस्ट में लेन देन नहीं किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि इसमें लाभ में बेनिफिट दिया जाएगा, लाभ में हिस्सेदारी दी जाएगी। जो ऑनर होगा बॉन्ड का, जिसने बॉन्ड खरीदा है, उसको कंपनी को जो लाभ होगा उसमें उसकी हिस्सेदारी दी जाएगी, उसके प्रोपोर्शन में, समझ गए आप। तो इस्लामिक बॉन्ड ये हो गया सऊदी अरब। और सिंगापुर दुनिया का पहला गैर मुस्लिम देश है जो कि ये सुकुक जारी कर चुका है। और भी इस्लामिक देशों ने सुकुक जारी किए हैं। सुकुक का मतलब ही होता है इस्लामिक, ये इस्लामिक वर्ड है ना।
पाकिस्तान ने भी जारी कर रखा है इसको, ईरान ने भी जारी कर रखा है समय समय पे। तो लेटेस्ट में किसने जारी किया? सऊदी अरब ने, और सिंगापुर एकमात्र देश जिसने, नॉन मुस्लिम देश, जिसने सुकुक को जारी किया है। आगे चलते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पत्रिका है, पीसीएस में कई बार आ चुका है क्वेश्चन कि वैश्विक आर्थिक परिदृश्य नामक पत्रिका कौन जारी करता है? IMF जारी करती है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एक क्वेश्चन। उसके बाद इसमें क्या क्या रिकमेंडेशन की गई, क्या क्या बातचीत की गई है, वो आता है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक जो आउटलुक है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? IMF के द्वारा। किसके द्वारा जारी किया जाता है? IMF के द्वारा। इसके अंतर्गत इस बार क्या कहा गया है कि पूरे विश्व की विकास दर लगभग 3.2% रहेगी, 3.2% के आसपास पूरे विश्व की विकास दर रहने की उम्मीद है। विकासशील देशों की जो ग्रोथ रेट है वो लगभग 4.3% के आसपास रहेगी 17-18 के लिए, 4.3% के आसपास। अब इंडिया की बात अगर करें तो वो कहते हैं कि 2016-17 में इंडिया के लिए उन्होंने 7.1 का वो अजम्पशन की थी, जो कि लगभग सही साबित हुई। उसके बाद इस वर्ष वो लोगों ने प्रिडिक्शन की है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 7.2% के हिसाब से बढ़ेगी इस वित्त वर्ष के लिए, और नेक्स्ट वित्त वर्ष, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए बोलते हैं कि 7.7%। तो इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो इस साल का ये बहुत इंपॉर्टेंट 7.2%। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक क्या कहता है? 7.2%। IMF मतलब क्या कह रहा है? 7.2%। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोडक्ट रिपोर्ट। ये दो तीन रिपोर्टें हैं, एक रिपोर्ट श्योर आएगी पेपर में गारंटी के साथ। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोडक्ट रिपोर्ट क्या है? इसको विश्व बैंक जारी करता है। इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है? विश्व बैंक। सालाना रिपोर्ट है। इसके अंतर्गत दो चीजें मैंने बताई हैं कि वर्ल्ड की ग्रोथ कितनी रहेगी इस साल, 2.7%, कितनी रहेगी 2.7, और इंडिया की कितनी रहेगी 7.5। तो वर्ल्ड बैंक ने कितना बोला है? 7.5%, और IMF ने कितना बोला है? 7.7%, याद रखिए, सॉरी 7.2%, ठीक है। वर्ल्ड बैंक की ज्यादा है, IMF की कम है प्रिडिक्शन इंडिया के लिए। इसमें वर्ल्ड बैंक ने एक और चीज कहा है कि भारत उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होगी इस साल, ठीक है, क्योंकि चाइना की ग्रोथ रेट गिर चुकी है। इस कारण से भारत जो नई अर्थव्यवस्थाएं हैं उसमें सबसे तेज उभरने वाली अर्थव्यवस्था होगी, वर्ल्ड बैंक ने कहा है, ठीक हो गया। नेक्स्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, ये जारी करता है संयुक्त राष्ट्र का एक संगठन, आर्थिक एवं सामाजिक मामले का विभाग, है ना। मतलब ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? यूनाइटेड नेशंस का इकोनॉमिक एंड सोशल डिपार्टमेंट जो है उसको जारी करता है। उसके अकॉर्डिंग पूरे दुनिया की ग्रोथ रेट इस साल होगी 2.7% और इंडिया की ग्रोथ रेट होगी 7.7%। समझ गए? IMF 7.2 बोल रहा है, वर्ल्ड बैंक 7.5 बोल रहा है, और यूनाइटेड नेशन 7.7 बोल रहा है इस साल के लिए। समझ गए? सबसे नीचे IMF, फिर वर्ल्ड बैंक, फिर यूनाइटेड नेशंस। क्लियर हो गया, डन। इन रिपोर्ट्स को भी याद रखना कि कौन सी रिपोर्ट कौन जारी करता है। नेक्स्ट है, भारत का वैश्विक ग्लोबल इकोनॉमी में भारत का हिस्सा कितना है GDP का? 2.83%। पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में भारत की अर्थव्यवस्था का कितना हिस्सा है? 2.83%, ठीक हो गया। वर्ल्ड का 2.83% है इंडियन इकोनॉमी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी कहाँ खुल रही है? महाराष्ट्र के बाबुलवाड़ी में। कहाँ खुल रही है? महाराष्ट्र के बाबुलवाड़ी में, जिसको कि IOC, BPCL और HPCL, जो इंडिया के टॉप मोस्ट जाइंट हैं ऑयल की, वो तीनों कंपनियों के ने मिल के इस रिफाइनरी खोलने का काम शुरू किया है, ठीक है। तो कहाँ होगा? महाराष्ट्र में, डन। अगला है, राष्ट्रीय आय के आंकड़े आ गए हैं, नेशनल इनकम के जो भी डेटा हैं इस साल के वो आ गए हैं। ये डेटा कौन जारी करता है? CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी विभाग, ठीक है। और ये वित्त मंत्रालय के सांख्यिकी विभाग का के द्वारा ये कार्य कराया जाता है। इसके अंतर्गत देश की GDP कितनी रही है, प्रति व्यक्ति आय वगैरह कितना रहा, सब डेटा आता है। तो इस आंकड़े के अंतर्गत के लिए आधार वर्ष क्या चुना गया था? 2011-2012, बेस ईयर, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कई बार क्वेश्चन दो बार से तो आ रहा है बेस ईयर पर से, ठीक है। इसके बाद देश की GDP कितनी है इस समय? 121 लाख करोड़। कितनी है? लगभग 121-122 लाख करोड़ की देश की GDP। देश में इस बार ग्रोथ कितनी हुई है 16-17 में? 7.1%। कितनी हुई है? 7.1%। कितनी हुई है? 7.1%। ये हमारी ग्रोथ हुई है CSO के आंकड़ों के अनुसार। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन गारंटी से आ सकता है यहाँ पर। इस बोर्ड से आपको 1-2 क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे,
7.1%। आगे पर कैपिटल इनकम हमारी कितनी हो गई है भारत की, 77,000 से बढ़ के 82,269 रुपये हो गई है। तो अभी पर कैपिटल इनकम कितनी हो गई हमारी, 82,269 पूरे भारत की। और सर्वाधिक पर कैपिटल इनकम इंडिया में कहाँ पे है, दिल्ली में है, 2,49,000। कितनी है, 2,49,000 के आसपास दिल्ली की, और सबसे कम बिहार की, 31,000 समथिंग। ठीक हो गया। अभी राज्यों के हिसाब से सबसे बड़ी जीडीपी वाला राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र, लगभग 9.5 लाख करोड़ के करीब की जीडीपी है उसकी। ठीक है, उसके बाद तमिलनाडु और तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश। तो टॉप थ्री लार्जेस्ट जीडीपी वाले जो स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये इकोनॉमिक आउटलुक का पहला हिस्सा था। अगली वीडियो में आपके सामने जल्दी लेके आ रहा हूँ, इसको पढ़ के फिनिश कीजिए, हार्डली 10 मिनट्स लगेंगे आपको। ठीक है, थैंक यू।